देव सर्व कार्य सु सर्वदा ओम गजानन भूत गणादि सेवितं कवित्थ जंबो फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। प्रथमे गुरु जी को वंदनम और द्वितीय आदि गणेश तृतीय सिमरुमा शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता के जिनसे भया शरीर नमो नमो गुरुदेव के जिन दिया भजन में सीर। लाल देह लाली लसे अरिधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलहन जय 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 कपिसूर। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सबकी राखियो शिव बैलन असवार। चंद्र तपे सूरज तपे उद्गण तपे आकाश इन सब से बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते। तो जय 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 श्री श्याम की विनय करूं कर जोड़ और भूल क्षमा कर दीजियो देख भगत कियो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बाबा वासुकीनाथ की जय। दादा मजा नहीं आ रहा, ये लोग कैसे गाया मैं समझ नहीं पा रहा। कोई गेम नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है। हेल 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 का दिन मैं समझता हूं सबसे स्वर्णिम दिनों में से एक दिन है आज। या जितने भी दरबार में दरबारी बैठे हैं ये दोनों बाबा के प्रेमी हैं। खाटू धाम दरबार भी जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस दरबार में भी आते हैं। पिछले 3 साल से दरबार बाहर लग रहा था, ये मंजर ऐसा आज भी आएगा ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे। पूरी मंदिर कमेटी इस चीज के लिए धन्यवाद की प्राप्त। और साक्षात भोलेनाथ का चमत्कार है, साक्षात भोलेनाथ का चमत्कार है। कल हम लोग यहाँ पर रात को 9 बजे पहुंचे थे,
और सारी रात मूसलाधार बारिश हुई। सबके मन में यही था कि अगर ये बारिश कल भी हुई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के दरबार में अन्याय हो। रात को अगर 1:15 भी अगर इतने भक्त बाबा के दरबार में भजनों के लिए बैठेंगे और उनको कोई असुविधा हो, जहां पर दो देवों का साक्षात मिलन हो, मैं दिल से निवेदन करता हूं आपसे, बड़ी मुश्किल से संगम मिला है। कई लोगों के प्रोग्राम बने, टिकटें बेकार चली गई, 20 टिकट में 19 टिकट में 11 लोग हम आए, पूरी की पूरी बस में आधी बस खाली आई। पता है क्यों? 8 टिकट खाली गई ऐसा नहीं है, और 45 सीटर में 23 सीटर खाली रहे ऐसा नहीं है, बल्कि 19 में 11 बड़भागी मिले और 45 में 22 बड़भागी मिले जिनको बाबा ने आप लोग भी गाड़ियों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से, आप लोगों के साथ में भी आने के लिए कई लोगों ने महीनों से प्रोग्राम बनाया होगा, लेकिन रिजल्ट तो वही माना जाता है ना जो यहां पर पहुंच गया। इसलिए ये सोचना कि जिसको नहीं बुलाना था उसको रख लिया वापस, और आपको यहां पर बुलाया है तो कुछ स्पेशल करने के लिए, कुछ स्पेशल लेना है तो दिल से पुकार लगा दो। चारों तरफ घूम रही है आवाज, हर देवी देवता, सच बताऊं पूरा संगम है चारों तरफ, गुंबज ही गुंबज, और जिसने भी चारों तरफ देवी देवताओं को जल चढ़ाया है, हर देवी देवता सुनेगा, यहां से कोई खाली नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए, उनके टेलीफोन भी आए, कई पीड़ित हैं, कई संघर्ष कर रहे हैं, कई अभी भी लाइव देखकर ही बाबा के दरबार में अर्जी लगा रहे हैं, बाबा आपका दिल तो बहुत बड़ा है, हर साल ये मेला लगता रहे, और हर साल बल्कि आज से ही अगले साल के जिसने लिए, अगले साल के लिए जिसने भी सोचा हो कि बाबा मुझे अगले साल बुलाना, आज से ही उसकी हाजिरी अगले साल के लिए लगा देना, और वह प्रेमी पहुंच जाए आपके दरबार में। आइए, मैं निवेदन करूंगा, बातें करके अपना समय व्यर्थ मत करना, इधर भी तकलीफ होगी इधर भी तकलीफ होगी, करना तो इनसे बातें करना, और एकमात्र साधन है भजन का साधन है ना। बाबा कहीं भी पुकार है, इसको थोड़ा सा कम, देव भाई आप भी थोड़ा सा कम करो, तेरे दरबार में बैठे ना बहुत से बैठे हैं जिनको कोई रास्ता ही नजर नहीं आया, नहीं आ रहा, और बहुत से सुन रहे हैं उनकी भी मंजिल डगमगा रही है। आज उन प्रेमियों की अरदास से बात, बाबा ये मैया कैसे डगमग डोली जाए, बोलो बोलो बोलो, बाबा ये मैया कैसे डगमग डोली जाए, बिन माझी पतवार के इसको तू ही पार लगाए,
जिन्होंने दो चक्के गाड़ी मांगी उनको मर्सिडीज में बिठाया। अगर वो यहां पर बैठकर ये सोचते ये लाइन मेरे लिए नहीं है, तो प्रेमियों आपके परिवार में कोई तो ऐसा होगा जो दो पांव से भी चलने में असमर्थ है, दो चक्का और चार चक्का तो दूर, कोई ना कोई तो होगा आपके परिवार में, इष्ट मित्रों में या कोई जानकारी आप पर कृपा कर दी तो स्वार्थी नहीं बनना, उनके लिए ये लाइन गा देना, उनके लिए ये भजन गा देना, अब करोड़ कृपा बढ़ जाएगी। पूरे पूरे हाथ उठा लेना, पूरे 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 पूरे, और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर, मैं नहीं बोलूंगा आपको तालियां बजाकर गाना है क्या, बाबा ये नहीं, आपके दरवाजा बंद मिलेगा।
भगवान कृष्ण का दिमाग चकराया। उन्होंने सोचा कृष्ण अगर ये बालक रण में कूद गया जिसने अपनी माँ को वचन दिया है कि हारते का साथी बनूंगा, तेरे रहते पांडव हारेंगे नहीं, और ये कौरवों की तरफ से लड़ जाएगा, असत्य पर सत्य की विजय नहीं होगी, ना कौरव बचेंगे ना पांडव बचेंगे। तीनों लोगों के नाथ को याचक बन के ब्राह्मण का केस बनाकर शीश दान मांगना पड़ा। और हमारे ठाकुर ने एक सेकंड की देर नहीं लगाई, शीश उतार कर चरणों में रख दिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग तुझे देता हूं, मुझे लोग श्याम के नाम से जानते हैं, कलयुग में तुझे श्याम बाबा के नाम से जानेंगे। और जो माँ को वचन दिया था वो यहाँ काम नहीं आया, लेकिन कलयुग में जो हार कर तेरे दरबार में आएगा वो हार कर वापस नहीं जाएगा। वो तीन बाण यहाँ काम आ रहे हैं। जो भी हार कर आता है और सिर झुकाकर दो बूंद टपका कर कह देता है, बाबा मैं हारा और तू हारे का, इसका बाण तर्कस से निकलता है और आपके संकट को काट कर वापस इनके तर्कस में आ जाता है, और आप खुशियों की लहरों में झूम जाते हैं। तीन बाण तर्कस में तेरे चले तुम्हारे जाकर सोना ही हो तो मैं तो कहूंगा एक आध भजन और बैठ जाओ। सबके लिए कह रहा हूं, सिर्फ स्पेशल आपको नहीं कह रहा, आगे आपकी मर्जी, जाने वाले को कोई थोड़ी रोक सके। लेकिन एक चीज और बताता हूं, घड़ी देखकर आया जरूर करो लेकिन घड़ी देखकर जाया मत करो, क्योंकि जिस दिन रात को 2 बजे आपने इसको पुकारा इसने भी घड़ी देख ली तो मुश्किल हो जाएगा। दरबार में आकर क्या मांगोगे? अच्छा, कौन कौन ऐसा है जिसने यहां आकर मकान मांगा है? बोलो, है कोई ऐसा? मकान मांगा है, वही चाहिए और कुछ नहीं ना, आपको वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। किसने गाड़ी मांगी? गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। अब एक चीज मैं कहता हूं, उसको मांग कर देखना, गाड़ी वाले को सिर्फ गाड़ी मिलेगी, मकान वाले को सिर्फ मकान मिलेगा, लेकिन जो मैं मांगने के लिए कह रहा हूं वो मांगा तो वो दोनों तो मिलेंगे ही, सब कुछ मिल जाएगा। बाबू सस्ते बोले नहीं, बाबा नहीं मिलेगा, बाबा नहीं मिलेगा, नरसिंह भगत को नहीं मिल पाया यार, गाड़ी में बैठे रह गए, नरसिंह भगत नहीं इस पहचान पाए कि मेरी गाड़ी में ठाकुर बैठे हैं, भजन सुना दिया, भगवान ने भगत के चरण दबा दिए,
लेकिन नरसी भगत आखिर तक नहीं पहचान पाए कि मुरली वाला मेरे चरणों में बैठा है, नहीं मिलेगा बाला। ऐसे कर्म ना आपने किए ना मैंने किए। मैं तो बताऊं, सच बात बताऊं, कभी भी कहना ही नहीं चाहिए कि बाबा मुझे दर्शन दे दे। ये पापी आंखें इनका दर्शन नहीं कर सकती। प्रेमी हम दर्शन करने लायक इनके नहीं हैं। बस ये समझो, आप चल रहे हो और आपकी राह बिल्कुल सपाट और सीधी राह हो, आप समझ लो कि ठाकुर आपके इर्द गिर्द मंडरा रहा है। बस आपको दूर नजर आ रहे कि 100 कदम पर हर्डल है, आपको नजर आ रहा है कि 100 कदम पर पत्थर पड़ा है, लेकिन जब 99वां कदम पड़े तो 100वें कदम पर पड़ा पत्थर नजर नहीं आए, हट जाए, बस इतना ही काफी है। और वो कैसे मिलेगा? दयालु तुम्हारे दया चाहता हूँ, दया चाहता। मैं कसम खाकर कहता हूं आज इस दरबार में, प्लीज 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 प्लीज, प्लीज 5 मिनट इस भजन के बीच में। ए भैया हेलो, दिल से गाओ, हर प्रेमी को देकर भेजेगा। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ। और क्या चाहता हूँ? चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूँ, चरणों किसको ये दया चाहिए? बुरे हाथ मकान वाला चाहिए दया, गाड़ी वाला चाहिए दया। अब मत मांगना गाड़ी, अब मत मांगना मकान, अगर दया मिल गई तो सब कुछ मिल गया। दयालु तुम्हारी कौन बोल रहा है?
सोमवार को मार्केट क्या खुलेगा? पेमेंट कितना देना है? ये अज्ञानता का डेरा मंडरा रहा है सिर पर। अरे पगले छोड़ो ना, एक ड्रम का पेमेंट करना है। शनिवार को जब कलकत्ते से चले थे, 5 पेटी नहीं थी बैंक में, विश्वास दिलाऊंगा और वादा किया कर रखा है एक ड्रम का। दरबार में दावे के साथ कहता हूं, इस दरबार में बैठे हो ना, जिसको पेमेंट करना है उसको आपसे एक एक ड्रम लेना है सोमवार को। काम आपका अटक रहा है, उस पर इतनी कृपा कर देगा, उसको 5 ड्रम को, उसका 5 ड्रम का सौदा करवा देगा। वो पहले 5 ड्रम लेने जाएगा, आपके पास नहीं जाएगा सोमवार। लेकिन हाँ, आपको कोई दबाकर, आपको कोई नाजायज दबाकर अगर आपसे पेमेंट लेने वाला है तो इसकी कृपा सुनना, उसको डेंगू कर देगा। ये भी सच्चाई है। ईमानदारी का पेमेंट लेने वाला होगा ना तो 5 गुना पेमेंट उसको दिला देगा दूसरी जगह से, वो वहां दौड़ जाएगा, आपका काम निकल जाएगा सोमवार। और कोई परेशान करके दबाकर अगर आपसे पैसा ऐंठने वाला होगा, उसको लेने लायक नहीं बनाएगा। चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूँ, चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूँ, जगह चाहता हूँ, दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ, दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता। We'll be right back.
तुझे देना है ना, तो इतना दे दे बाबा। उठे चाहे लेकिन अगर कोई तूफान आया और उसको पीठ दिखाकर घूम गए और उसको अगर पीठ दिखाकर घूम गए ना, तो भी आने में सोचेगा पांच बार क्या बज रहा है यार। यहां से क्या लेकर जाओ, पता 3.5 अक्षर का विश्वास लेकर जाओ। बड़े गुणी लोग बैठे, मैं छोटा हूं, लेकिन श्याम दरबार में इतना महसूस किया। अपनी तिजोरी में नोटों की हड्डियां रखते हैं, उसके साथ साथ यहां से जाने के बाद एक पर्ची भी रख देंगे। उस पर्ची में लिख देना कि मेरा बाबा मेरे, विश्वास दिलाता हूं। अन्नपूर्णा मां को खड़ा कर देगा दरवाजे पर, जिस चीज में हाथ डालोगे उसी चीज में बरकत कर देगा बाबा। उस तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा, जितना निकालोगे उतना बढ़ता जाएगा। और कोई दरवाजे पर आएगा वो भी खाली नहीं जाएगा। विश्वास
सांचे दरबार की। दादा एक बात बताऊं, इसका इसका वॉल्यूम बढ़ाओ, उसका थोड़ा सा कमा लो। हाँ जा रहे दिशा भाई अब की बार बैठ जाओ भैया, नहीं जाना बैठ जाओ, जाना है जाओ। आप बोल कर गए हैं, इसका रिवर्ब कम करके डेप्थ बढ़ा दो, ज्यादा डेप्थ बढ़ाओ, गेन बढ़ाओ इसका। अब दरबार में बोल कर गए, दयालु तुम्हारी दया चाहता हूं, प्रभु ने कृपा कर दी। देखो प्रेमियों प्लीज जल्दी करो, जल्दी करो, अब कृपा कर दी, कृपा हो गई, तब उस भगत के भाव चेंज हो गए। अब वो सांवरे के प्रेमियों के बीच में जब पहुंचता है, तब बाबा की तरफ इशारा करके क्या कहता है सुनना प्रेमी। जब तुम सा हो माजी काहे को फिकर न करो, बोलो जब तुम सा हो माजी काहे को फिकर न करो, तेरे रहते बाबा क्यों तू भानो से डरूं, तेरे रहते बाबा क्यों तू भानो से डरूं। कौन कौन नहीं डरेगा, कौन कौन, पूरे हाथ उठाना और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोला क्या, ओ सांवरे मैं बेकार गलो फाड़ रहा हूं।
स्टेशन पे भी भीड़ मिलेगी, बस अड्डे पर भी भीड़ मिलेगी। 20-30 हजार का जूता पहनकर भी लोग दरबार में, खाटू धाम में चलते हुए नजर आएंगे। और कई आपको ऐसे भी मिलेंगे रिंगस से खाटू के रास्ते में, जिनके पांव में चप्पल भी नहीं होगी। लेकिन एक बात बता दूं, उस शरहद के अंदर जो घुस जाता है, ग्यारस के दिन जिसके पास रखने की जगह नहीं है, उसके चेहरे पर भी हंसी मिलेगी, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी हंसता नजर आएगा। ऐसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि तुम्हारी अवस्था दिन पर दिन एक ही जैसी नजर आती है, कुछ भी चेंज नजर नहीं आया, फिर तुम क्यों जाते हो उस दरबार में?
उसने कहा पागल, 29 दिन स्ट्रगल के होते हैं, लेकिन पता नहीं उस दरबार में ऐसा क्या है, जब 30वें दिन उसके सामने खड़ा होता हूं ना तो मेरी 29 दिन की थकान दूर हो जाती है और अगले 29 दिन तक लड़ने का संघर्ष करने की शक्ति मिलती है। मुझे सदा जचता है। प्रेमियों, बहुत मुश्किल बात बोल रहा हूं मैं, समझता हूं जिस पर बीतती है वो जानता है, लेकिन एक मुश्किल बात बताऊं, जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं से सब कुछ दे दिया, और सब कुछ में से थोड़ा अगर छीन लिया या थोड़ा उसको पसंद आ गया, उसने ले लिया, आप उससे मुंह फेर लोगे तो बाबा भी सोचेगा ये व्यापारी था, ये मेरा प्रेमी नहीं था। जब इसको चाहिए था, इसको एक चाहिए था, मैंने इसको लाख दिया, इसके लाख में से मैंने इसका एक ले लिया, मेरे से मुंह फेर लिया, नहीं। जब तक जीरो पर नहीं पहुंचा, जीरो से जीरो तक नहीं पहुंच जाओ, तब तक तो आपको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। जीरो से 100 दिया, अगर 10 ले लिया अभी भी 90 प्लस में हो, 80 भी है तो भी प्लस में हो, अब तक क्या था। हाँ, जीरो पे पहुंच जाओगे ना तब लड़ाई में मजा आएगा, तब कहना बाबा अब ले ले और कहां से लेगा, अब ले ले और कहां से लेगा, है ना। खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है, अब तेरा काम शुरू होगा। इसलिए प्रेमियों, अगर इस दरबार से कुछ मिले ना और कुछ वापस ले ले, मुझे मालूम है बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, लेकिन ये सोच के कि मेरे आराध्य को मेरी वो चीज पसंद आ गई और मेरे आराध्य ने अपने पास बुला लिया, मैं किस्मत वाला हूं जो मेरी चीज को बाबा ने अपने पास बुला लिया, इसलिए उसके सेवा में कमी मत करना, बल्कि उसकी उसके विश्वास में और इजाफा कर देना। जो चीज रह गई है ना उसमें इतनी बरकत दे देगा, इतनी बरकत दे देगा कि कभी उस चीज का गम ही महसूस नहीं होगा कि मेरे पास नहीं रही चीज। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, तरेगी नहीं बिना माझी के, जब तू साथ है मेरे, तरे जब तू साथ है मेरे, डूबेगी नहीं भी किनारों पे, जब तू साथ ना मेरे, बोल साचे आए फिर क्या कहोगे, जीत जाएंगे हम वो। आज कोई भी किसी भी हालात में है, मुट्ठी बांधो एक बार, एक बार मुट्ठी बांधो, बांधो एक बार मुट्ठी, अरे उठाओ ना हाथ, तो मेरे को दे दोगे, शर्म करो, आपके लिए चिल्ला रहा हूं, शर्म करो, आप लोगों के लिए चिल्ला रहा हूं। क्यों चिल्ला रहा हूं पता है, क्योंकि इस सड़क छाप आदमी को, इस सड़क छाप आदमी को सड़क से उठाकर आज अगर यहां तक पहुंचाया है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए। और मैं दरबार से कहता हूं, मुझ पर कृपा करी है तो तुझे सब पर करनी पड़ेगी कृपा, इसलिए आपको बार बार भोगता हूं, इसलिए बार बार चिल्लाता हूं, उठाओ हाथों को, कसम से एक भी हाथ अगर ऐसे उठ गया ना उसका हाथ को नीचे नहीं करने देगा, दोनों हाथों से मिलकर बोलेंगे जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, डर की क्या बातें हैं, जीत जाएंगे हम, डर की क्या बातें हैं।
ये जो बोले दिन ब दिन ये जो बोले दिन ब दिन ये जो बोले
किसी को मैंने कभी पुकारा नहीं, सोचते हो पागल है। पता है क्या है, एक लॉजिक बताता हूं। एक सेट का एक स्टाफ काम करता था, 2000 रुपए की तनख्वाह थी उसकी, और 2000 के तनख्वाह में ही फाइनल हुआ था, और कुछ ऊपर का दिन लेना देना नहीं था। 6 महीने नौकरी के बाद में उस स्टाफ ने एक दिन अपने मालिक से कहा, सेठ जी 20 रुपए एक बार दे दो, मुझे नाश्ता करना है, भूख लगी है। सेठ ने एक बार सोचा, तनख्वाह तय है फिर भी 20 रुपये मांग रहे हैं, बोले ये क्या बात हुई, सेठ जी आज दरकार पड़ गई, आज है नहीं मेरे पास 20 रुपये, आज नाश्ता के नहीं दे दो। सेठ ने निकाल के दे दिए। 20 दिन बाद फिर उसने कह दिया सेठ जी को, सेठ जी ने फिर एक बार पूछा, फिर कहा, सेठ ने सोचा यार चलो 20 दिन बाद मांगा है, फिर निकाल कर दे दिया। अब उस नौकर की 20 दिन के बाद में आदत 10 दिन में पड़ गई, 5 दिन में पड़ गई, और अब वो नौकर रोज मांगने लगा और सेठ रोज मजबूरी में देने लगा कि सेठ जी अब मेरा हक है, 20 रुपए तो मेरा हक है। प्रेमी ये जो बार बार तालियां बजवाता हूँ ये हक बन जाएगा, जब भी आप मांगोगे तो उसको देना पड़ेगा, इसलिए बार बार ये खालियाँ भिजवा रहे हैं। हो सकता कई लोगों को बुरा लगे, लेकिन अगर एक का भी काम बन गया, 1000 अगर मुझे कोसे और एक का भी काम बन गया, और उस एक का अगर आशीर्वाद मिल गया, तो 1000 के कोसने से शायद बुरा नहीं होगा जितना एक के आशीर्वाद से मेरा भला होगा। बोलिए साचे दरबार की, बोलिए साचे दरबार की, बोलिए बाबा वासुकीनाथ की। आइए प्रेमी, हाँ जरूर जरूर जरूर,
ये दरबार देखा है कहीं अजगबी नाथ का? कहां पर है? वहां से जल भरोगे तो इस दरबार के भी बारे में पता चलेगा, उस दरबार में भी हाजिरी लगाना। आइए। अरे अरे क्या भोले सा देव, क्या भोले सा देव निराला देखा है। नहीं नहीं, जब मैं बोलू ना क्या भोले सा देव निराला देखा है, देखा है तो हाँ कहना, और नहीं देखा है तो क्या बोलोगे? नहीं नहीं। अरे क्या भोले सा देव निराला देखा है, महाकाल है महाकाल, फिर भी दावतार है। मेरे बाबा के शरीर पर मृग छाला, आप लोगों को लगाने के लिए इत्र और फुलेल, मेरे बाबा के लगाने के लिए भस्म, देखा है ऐसा कहीं देव? तालियां बजाओ। अरे क्या भोले सा देव निराला है। किसने देखा हाथ छोड़ने पर?
सृष्टि के जन जन के ही प्राण है, शिव है सृष्टि के स्वामी करुणा की ठान है, रक्षक है सृष्टि के जन जन के प्राण है। नंद क्या ही अजब, नंद क्या ही अजब, इनका व्यवहार है। बहुत दयालु देव है। बहुत दयालु देव है, मुझे कहने में कोई वो नहीं लगता। हाँ मैंने भी जाना 3 बजे। हमारे कलकत्ते में भूतनाथ, अपने कलकत्ते में है ना, सारे मैक्सिमम कौन कौन कलकत्ता का है एक बार हाथ उठाकर बताओ। हाँ 50 से ज्यादा% के, फिर भी और जितने हैं सब जानते हैं भूतनाथ बाबा का मंदिर। गए हो? कौन कौन गए? 31 दिसंबर को वहां पर सारी रात बाबा का अखाड़ा लगता है, सारी रात गंगा के किनारे कीर्तन होता है। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा कलाकार नहीं जो वहां नहीं पहुंचता है, और ये बाबा की कृपा है कि 31 दिसंबर को मैं कहीं नहीं जाता और वहां पर रहता हूँ, लेकिन भजन नहीं गाता। मुझे एक आध बार गाने के लिए कहा भी गया मंदिर कमेटी की तरफ से, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैंने उनको कहा कि मेरे पास सुनाने के लिए भजन है ही नहीं, भोले बाबा को मैं क्या सुनाऊँ। श्याम बाबा को इतना भजन सुनाया, भोलेनाथ को सुनाने के लिए मेरे पास भजन ही नहीं है। बाबा के मंदिर के चौखट पर खड़े होकर ये बात कही और बाबा ने एक भजन गवाया। मैं नहीं कहता कि वो भजन मैंने गाया, वो एक भजन बाबा ने गवाया। उस एक भजन गाने से मुझे इतनी शांति मिली कि भोलेनाथ मुझे लगता है 7 जन्म का सारा गायन आपने उस एक भजन में मुझसे समेटवा लिया। वो महामंत्र हरि ओम नमः शिवाय दिशा, मैं निवेदन करूंगा सब मिलकर, बरसों पुराना ये भजन है। आज भोलेनाथ के साक्षात दरबार में विराजमान होकर अगर ये मंत्र हरिओम नमः शिवाय निकल गया, काम बन जाएगा। Hari
Oh,
इस महामंत्र को कौन कौन जपेगा, ये पूरे हाथों को उठा लो, एक बार हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके मिलकर जोरदार तालियां बजा कर, जोरदार एक साथ सब मिलकर बोलेंगे क्या। आइए दो पुष्प बाबा के चरणों में, और दो पुष्प अब निवेदन करूंगा, कोई मत जाने। आइए पर मेहरबान हूं, ठीक है, हमारी आपको सुनती नहीं। अब आगे बाबा की मर्जी है। पता है, दो घंटे का कीर्तन अगर इस माइक में किया, दैट मीन्स हमने 8 घंटा गाए। जो कंडीशन अभी माइक की है, ऐसा लग रहा है कि 8 घंटे गाया। अगर 2 घंटे गाऊं, गाए कोई भी इसमें, तो उसको लगेगा कि 8 घंटे वाली मेहनत करनी पड़ रही है। सुन लो, उसे कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा था। भाई साहब, ओ भाई साहब, हेलो, समय हो गया, ओवर टाइम कर रहा हूं मैं, आप बोलो तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, आप मीटिंग करोगे तो नहीं करूंगा। जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो गए, उसके जीने का कोई मकसद ही नजर नहीं आ रहा था। किसी श्याम भक्त की नजर पड़ गई, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्यों पागल हुआ फिरता है। बोला, यार कुछ बचा ही नहीं, सब तरफ से हार हो रही है, सोने को भी हाथ लगाता हूं मिट्टी बन जाता है। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, प्लीज, या तो आप बोलो या मैं बोलूं। उस प्रेमी ने कहा,
कभी खाटू गए हो? हारे हुए ने कहा नहीं, खाटू कहाँ, खाटू वाले का नाम सुना है? कौन है खाटू वाला? उसने कहा एक बार चले जाओ, एक बार चले जाओ। ये कहाँ से है? वहां से आने के बाद सारी दुनिया को बोलोगे कि तुम भी हारो, क्योंकि हारने के बाद उस दरवाजे पर जाना तो जितना हारे नहीं उससे 10 गुना ज्यादा जीत दिलाकर वो दरबार से। हारा हुआ प्राणी, अंधे को क्या चाहिए दो आंखें, हारा हुआ प्राणी पहुंच गया श्याम दरबार में और चौखट पर, नीचे चौखट पर पकड़ कर बैठ गया, माथा पटकने लगा और कहा बाबा से, करने आया लायक बना लो भाने तारे दरबार के, लायक बना लो
बाबा मेरी लाल अनमोल तेरे सिवा Bye.
का समय हो गया, इसलिए बाबा की आरती होगी। सभी कोई मिलकर, सभी कोई बैठ जाएंगे। देखिए आज भोलेनाथ के दरबार में 5 मिनट की आरती, सारी रात बैठे एग्जाम दिया, अगर रिजल्ट लेकर नहीं जाओगे, रिजल्ट लेकर जाओ, बाबा की आरती करेंगे सब कोई मिलकर। चुकी